जो राठौर जैसे कार्यता को खत्म कर दिया। ये आज का मेन उसका सब्जेक्ट है हमारा कि मनुस्मृति ने बहुजनों के बीच में जो कॉपरेशन था, सहकार था, उसको खत्म कर दिया। तो सहकारियों में सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, मेरा वीडियो ऑन है? यस सर, आप अनम्यूट हो चुके सर। सहकारियों, आपको अच्छी तरह से याद है कि मौर्य जब काल स्टार्ट हुआ तो अशोका दी ग्रेट के टाइम पर अशोका तथागत बुद्ध के बाद कॉपरेशन को समझने वाले भारतीय थे, पहले भारतीय थे तथागत के बाद समझने वाले कॉपरेशन को। उन्होंने जब कॉपरेशन के इंपॉर्टेंस से जानी, उसका महत्व तो जाना, तो उन्होंने अपने समाज के अंदर कॉपरेशन के माध्यम से कास्ट को तहस नहस कर दिया और वर्ण व्यवस्था को मृत पराय कर दिया उसमें। अब जो पुष्यमित्र शुंग थे, वो जान करके उन्होंने अपनी सिस्टर की शादी बृहद्रथ के साथ की, हमारे जो मौर्य वंश के 10th जो 10वें सम्राट थे उनके साथ अपनी बहन की शादी की, और शादी करने के बाद शासन प्रशासन में अपनी घुसपैठ बनाई, और घुसपैठ बनाने के बाद और भी बहुत सारे कारण रहे होंगे, लेकिन सबसे बड़ा कारण उनके पीछे ये था कि ब्राह्मणवाद मौर्य काल में बिल्कुल तहस नहस हो चुका था। ब्राह्मणवादी जो व्यवस्थाएं थी वो एकदम जीर्ण शीर्ण हो गई थी, और ब्राह्मण कहीं ना कहीं अपने आप को दयनीय स्थिति में समझने लगा था। तो पुष्यमित्र शुंग ने इन सारी बातों को दिमाग में रखते हुए बृहद्रथ की हत्या का षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र में वो कामयाब हुआ, और कामयाब होने के बाद उसने मौर्य काल का अंत किया और शुंग मतलब जिसको वंश की स्थापना की, और शुंग वंश की स्थापना करने के थोड़े दिन के बाद की उसने बनारस से सामवेदी ब्राह्मण को सुमति भार्गव को बुलाया और उसके उसको एक ऐसा ग्रंथ लिखने को ऑर्डर किया जिसमें पुरानी जो व्यवस्था थी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, या पुरानी जो जाति व्यवस्था स्टार्ट हो चुकी थी और मौर्य काल में खत्म हो गई थी, उसी व्यवस्था को और ज्यादा क्लिष्ट रूप में और थोड़ा सा पनिशमेंट के रूप में कि अगर कोई नहीं मानेगा तो उसको उस पनिशमेंट दिया जाएगा। तो उन्होंने उस जो मनुस्मृति की रचना कराई, और मनुस्मृति की रचना में उन्होंने तीन तरह के प्रोविजंस बनाए। तीन तरह के प्रोविजंस में क्या था, कुछ लोग तो उनको वॉलेंटरली उन्होंने मान लिया, इमिटेट हो गए उनकी बातों से, और इमिटेशन के शिकार होने के बाद उन्होंने स्वतः उसकी व्यवस्था को अपना लिया। कुछ इस तरह के लोग थे जो उनकी व्यवस्था को जिन्होंने माना नहीं, लेकिन कुछ कुछ प्रभाव था उन पर, लेकिन वो पूर्ण रूपेण नहीं मानते थे, तो उनके लिए उन्होंने दंड की व्यवस्था की और उनको डराया धमकाया, और डरा धमका करके उनको मनवाया, और इस तरह बेचारे वो मजबूरी में इमिटेट हुए। तीसरा गुरु वो था जिन्होंने बिल्कुल इनसे दूर थे मनुवादियों से, और वो बिल्कुल एकदम दूर रहते थे, उन्होंने इनकी व्यवस्थाओं को बिल्कुल फॉलो नहीं किया, और फॉलो नहीं किया तो उनके लिए इन्होंने एक बहुत ही जघन्य जो पनिशमेंट किया कि उनको देश निकाला दे दिया और उनको अपने राज्य से बाहर कर दिया, और इस तरह वो मजबूर होकर के जंगलों में आदिवासियों के रूप में रहने लगे। जो आजकल के आदिवासी हैं वो ही लोग हैं जिनको कि उनको पनिशमेंट के डर से या उनको देश निकाला दे दिया था, जिनके साथ में कठोरता से इन्होंने मनुस्मृति को लागू करवाया और इस तरह वो दूर हो गए। तो दोस्तों, मैं सहकारियों में यहां पर ये कहना चाहूंगा कि पुष्यमित्र शुंग ने केवल मौर्य सम्राट की ही हत्या नहीं की, उसने जो कॉर्पोरेशन की वैल्यूज थी, एथिकल वैल्यूज और मॉरल वैल्यूज और जो कॉपरेटिव वैल्यूज थी, उनकी भी खंड खंड करके हत्या की। और हत्या करने का वो क्या रूप रहा, अब मैं
जैसे कि बार 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 एग्जाम्पल दी जाती है कि 6743 जातियों में उसने अवर्ण समाज को या जिसको आप शूद्र कहते हैं उस समाज को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, उनके बीच का जो कॉपरेशन था, क्योंकि कॉपरेशन उनके बीच में जो था वो किसी सैद्धांतिक रूप में उनके बीच में कॉपरेशन था, उस सैद्धांतिक रूप में उसकी कुछ वैल्यूज होती हैं, उसके कुछ महत्वपूर्ण, उसके कुछ जिनको कहते हैं नियम कानून होते हैं, उसके जो वैल्यूज है उनको उनको मानना पड़ता है। दोनों तरह की वैल्यूज होती हैं, एक तो मेंबर्स के लिए वैल्यूज उनकी लागू होती हैं और एक पूरे के पूरे कॉर्पोरेट बॉडी पर जो लागू होती हैं। तो जो मेंबर्स के बीच की जो वैल्यूज थी, इथिकल वैल्यूज, जिसमें उनका आपस का जो ऑनेस्टी, ओपननेस, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड केयरिंग फॉर अदर्स, ये उनकी जो एथिकल वैल्यूज थी, इनकी भी हत्या की गई। इनकी हत्या करने का मतलब उनको इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया और उनके बीच में इतनी वैमनस्यता पैदा की गई कि वो जातियां आपस में छिन्न भिन्न तो हो ही गई और एक आइसोलेट होती गई। आइसोलेशन होने से वो अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा पाई और उनके बीच का जो कॉपरेशन धीमे धीमे खत्म होता गया, उनमें केयरिंग फॉर अदर्स वाली भावना बिल्कुल खत्म होती गई, उनके बीच की ऑनेस्टी, ओपननेस, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सारे के सारे हत्याएं हो गई। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को, सर्वाइवल उनके सामने बचा और अपने सर्वाइवल को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए वो मनुवादियों की उन कठोर व्यवस्थाओं को भी मानते गए जो उन्होंने उन पर जबरन ला दी थी। और मनोस्मृति से उन्होंने दो तरह की व्यवस्थाएं उनके ऊपर ला दी, दो तरह से उनके ऊपर आघात किया, एक दिमागी तौर पर और एक शारीरिक तौर पर। एक तो देखिए एनफोर्स्ड इग्नोरेंस, मैंने बार बार इस शब्द को यूज किया था पहले भी कि मनोस्मृति से उन्होंने क्या किया, फोर्स्ड इग्नोरेंस ला दी हमारे ऊपर, एक जबरदस्ती अज्ञानता के अंधकार में हमको धकेल दिया। यानी हमको उन्होंने सबसे पहले हमारी सुरक्षा का अधिकार हमसे छीन लिया था, उन्हें डर था क्योंकि हम संख्या में ज्यादा थे तो हम से उनसे रिवेंज लेने के लिए हम अपनी ताकत का प्रयोग कर सकते थे, तो उन्हें ये डर था कि हम कम हैं, ये अपनी ताकत के बल पे हमको रिउंड कर देंगे या हमको रौंद डालेंगे, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले उन्होंने कानूनन प्रिवेंट कर दिया हमको हथियार रखना या हमारी सुरक्षा का अधिकार उन्होंने छीन लिया। दूसरा अधिकार उन्होंने शिक्षा का छीन लिया, जिसमें हमारी शिक्षा, तो आपको मालूम है कि सम्राट अशोक के जमाने में या पूरे के पूरे मौर्य काल में शिक्षा जो थी, नॉलेज प्लस इंटेलिजेंसी प्लस थिंकिंग स्किल का एक पूरा सामंजस्य, तीनों विषयों का एक कॉम्बिनेशन था, और शिक्षा जब पूरी की पूरी शिक्षा उन्होंने हमसे छीन ली, इसका मतलब हमारी शिक्षा तो चली गई, साथ में हमारी इमोशनल इंटेलिजेंसी जो व्यवहारिक शिक्षा थी और एक सोच विचार करने की जो शिक्षा थी, थिंकिंग स्किल थी, वो भी चली गई। और जब ये दोनों चीजें चली गई और साथ साथ शिक्षा भी चली गई, तो हमारा जो जो बहुजन था या जो मौर्य काल के जो नीचे बचे हुए शासक, जो लोग जिंदा बच गए या जिन लोगों के उनके अत्याचार से सरवाइव कर गए, उन लोगों पे ये सारे के सारी चीजें उसे परे कर दिया, तो वो जस्ट लाइक एक एक ऐसे आदमियों के रूप में वो रह गए कि जो न तो सोचना जानते थे, न वो ये तक नहीं जानते थे कि क्रांति की प्रतिक्रांति क्या होती है या हमारे अधिकार क्या हैं या हमको क्या करना चाहिए, हम इस दयनीय स्थिति से कैसे निकलें, ये सारा का सारा क्योंकि उनका सोच विचार करना छीन लिया गया, तो वो ये सोच विचार ही नहीं कर पाए कि हम स्थिति से कैसे निपटें। और केवल अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के बारे में ही सोचते रहे और मजबूरी में मनुवाद की कठोरतम व्यवस्थाओं को भी वो ढोते गए। इस तरह हम देखते हैं कि जो पुष्यमित्र शुंग ने या शुंग वंश वालों ने हमारे जो लोगों के बीच की अंदर की जो कॉपरेशन की जो भावना थी, उनकी वैल्यूज को ही खत्म कर दिया। और जो कॉपरेटिव वैल्यूज थी, कॉपरेटिव वैल्यू जैसे सेल्फ हेल्प, सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी, डेमोक्रेसी, इक्विटी, इक्वालिटी एंड सॉलिडरिटी, ये छह भाव,
छह जो उसके वैल्यूज थी इनको भी छिन्न भिन्न कर दिया, उनको इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, इतने टुकड़ों में बांट दिया कि उनकी सॉलिडरिटी खत्म कर दी, उनकी सामूहिक ताकत को बिल्कुल जीरो कर दिया, उनको कोई भी समाज में बराबरी का हक, इक्विटी, इक्वालिटी सब कुछ उनकी खत्म कर दी गई, उनको डेमोक्रेटिक पैटर्न भी खत्म कर दिया गया और उनके ऊपर एक राजतंत्र और एक हिटलर शाही व्यवस्था को थोप दिया गया, एक ऐसी व्यवस्था थोप दी गई कि जिससे वो केवल और केवल अपने जीवन के ही बारे में, जीने के बारे में सोच सकते थे, बाकी वो रिवेंज या उससे निकलने की स्थिति को वो नहीं सोच सकते थे। तो ये जो मनुस्मृति का जो सबसे बड़ा हमारे पास जो दुष्प्रभाव पड़ा हमारे जीवन में, ये पड़ा कि हमारी जो एथिकल वैल्यूज थी वो भी उन्होंने तहस नहस कर दी, और हमारी जो कोऑपरेटिव वैल्यूज थी वो भी तहस नहस कर दी, और हमको छिन्न भिन्न करके 6743 जातियां तो ये उस समय की हैं जबकि पहली बार जब बाबा साहब के प्रयासों के बावजूद जब ओबीसी की गणना हुई या शूद्र जातियों की गणना हुई उसमें कुल मिलाकर के, तब ये 6743 का फंडा निकल करके सामने आया। जातियां तो बहुत ज्यादा थी, 10,000 के करीब टुकड़ों में थी, लेकिन जो केवल जानकारी में आई उस समय जो अंग्रेजों ने जो कमीशन बिठाया उसकी जो जांच की उसमें जो चीजें सामने आई उनमें 6743 जातियां निकली थी, बाकी एक्चुअल में तो जातियां बहुत थी। तो इतनी सारी जातियों में बांटना और एक को एक दूसरे के दुश्मन बना देना या एक का एक दूसरे की भनक तक नहीं लगने देना, किसी दूसरे को आपके प्रति भड़का देना और उनको दूसरे के प्रति भड़का देना, इस तरह उन्होंने सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर करके केवल और केवल ये सब किससे हुआ, मनुस्मृति को कठोरता से लागू करने से। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि मनुस्मृति ने हमारे जो मौर्य काल की जो आपस में जो सहकार की भावना थी हमारे लोगों के बीच में, उस सहकार की भावना को उन्होंने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब देखिए मैं थोड़ी सी सहकार की यहाँ एक थोड़ी सी परिभाषा देना जरूर समझूंगा, क्योंकि वो सहकार होता क्या है ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को जाननी बहुत जरूरी है। मैं सहकार की जो डेफिनेशन है वो जो हमारी ICA जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस जो है ना, उसने जो परिभाषा दी है वो सर्वमान्य है पूरी दुनिया में, इसीलिए मैं उसी डेफिनेशन को देना आपके सामने उचित समझूंगा कि एक कॉपरेशन इज एन ऑटोनोमस Association of persons. A corporation is an autonomous association of persons united voluntarily. देखिए वो क्या है, वो volunteer united voluntarily to meet their economic, social and cultural needs and aspirations. Needs and aspirations through a joint owned and democratically controlled enterprises. या मैं इसको हिंदी में अगर आपके सामने ये बोलूं तो सहकारिता संयुक्त स्वामित्व वाली और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी कॉमन आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों एवं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट हुए व्यक्तियों के एक समूह या स्वायत्त समूह है। यानी इसमें लोग जो है क्या करते हैं, आप अपने तो वॉलेंटरली यूनाइट होते हैं, ऑटोनोमस बॉडी होती है यानी इसमें खुद ही लोग अपनी संस्था होते हैं, खुद ही काम करने वाले होते हैं, खुद ही के फायदे के लिए, खुद के हित के लिए करते हैं, या इसके ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनमें आपस के हित के लिए ही वो लोग काम करते हैं, और वो डेमोक्रेटिकली पैटर्न पे काम करते हैं, यानी उसमें सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी की सारी चीजें उसके अंतर्गत होती हैं, और डेमोक्रेटिकली वो होती है जो कंट्रोल्ड होता है उसमें डेमोक्रेटिकली यानी लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित होती है। लेकिन जब मनुस्मृति लागू की तो लोकतांत्रिक पद्धति को तहस नहस कर दिया गया, लोकतांत्रिक पद्धति ही वहां से खत्म कर दी गई और राजतंत्र की स्थापना की गई। हालांकि सम्राट अशोक या मौर्य काल भी राजतंत्र था,
लेकिन उसके जमाने में लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो वैल्यूज थी, ये जो कॉपरेटिव वैल्यूज थी, डेमोक्रेटिक जो पैटर्न था, वो अपनी डेमोक्रेटिक पैटर्न से भी कहीं ऊंचा उच्च दर्जे का था। कहने के लिए उनका राजतंत्र था, लेकिन समाज पूरा का पूरा डेमोक्रेटिकली पैटर्न के ऊपर ही गवर्न होता था। लेकिन मनुस्मृति ने एक्चुअल राजतंत्र, और राजतंत्र ही नहीं बल्कि एक निरंकुश शासक की जो तानाशाही जो व्यवस्था होती है वो उन्होंने लागू की, और तानाशाही व्यवस्था को लागू करने के बाद उसको जो कंट्रोल करना, आगे कंटिन्यूएशन में उसको बनाए रखना, उन व्यवस्थाओं को, मतलब जो खराब तो थी ही थी लेकिन उनको खराब रूप में भी कंटिन्यूएशन में उनको मनवाए रखना, हमारे समाज को हमेशा निम्नतर दर्जे का दे करके और उनके ऊपर अत्याचार और उनके ऊपर बेरहमी से शासन करके उनको दबाए रखना ताकि वो आगे उठ ना पाए और उनमें कोई बदले की भावना या कभी भी भविष्य में उन्हें ये संभावना ना दिखे कि ये मिल करके हमसे एक हो करके अपना वर्चस्व कायम कर लेंगे या हमसे बदले की भावना से, जैसे हमने इनकी क्रांति की प्रतिक्रांति की है, ये भी हमारी इस क्रांति की अगेन प्रतिक्रांति कर सकते हैं। तो इस भावना को तहस-नहस करने के लिए उन्होंने हमको छिन्न भिन्न किया, और छिन्न भिन्न करने के लिए उन्होंने हमारी कॉपरेटिव वैल्यूज एज वेल एज एथिकल वैल्यूज सबको ही तहस-नहस कर दिया। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जो मनुस्मृति है वो हमारी सहकारिता की भावना को बहुजनों के बीच से तहस नहस करने के लिए जिम्मेदार है, और उस जिम्मेदारी जो है वो उसका पूर्ण रूपेण शुंग वंश या पुष्यमित्र शुंग जिसका संस्थापक था उस शासक का, वो ही जिम्मेदार है। और इसको सहकारिता को बनाए रखने के लिए आज के युग में, अगर आज के युग को देखें तो ये रिपीटिशन ऑफ दैट पीरियड हो रहा है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में इन्होंने सेक्शन 97 में, अमेंडमेंट 97 में इन्होंने हमारे को कॉर्पोरेशन को उसमें जिसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड कर लिया है अमेंडमेंट 97 के तहत। 12 जनवरी 2012 को इन्होंने उसको लागू कर दिया है। ई बिन दो भी कहीं पर भी कॉर्पोरेशन का नामो निशान नहीं है, और कहने को लोकतंत्र है हमारे यहाँ, डेमोक्रेसी है, लिखित में डेमोक्रेसी है, लेकिन ये पुष्यमित्र शुंग से भी ज्यादा निरंकुश शासक बन के राजशाही और तानाशाही को यहाँ पर लागू किए हुए है। इसीलिए आज की डेट में इस कॉर्पोरेशन की वैल्यू नीड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसीलिए हम लोगों को एथिकल वैल्यूज और कॉपरेटिव वैल्यूज को दोबारा जाना पड़ेगा, और कॉपरेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं, 7 प्रिंसिपल, उनको भी अच्छी तरह स्टडी करके अपने समाज में दोबारा कॉपरेशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर हम अपने समाज के बीच में समवाय या सहकार पैदा करने में अक्षम रहते हैं तो समझ लीजिए कि हम अपने उसी शासन को जो पुष्यमित्र शुंग ने हमारे गले में हांडी और पीछे झाड़ू लटकाने वाली व्यवस्थाएं कर रखी थी, वो ही दिन हमको देखने पड़ सकते हैं। इसीलिए मेरा समस्त सहकारियों से अनुरोध है कि वो इस मनुवादी व्यवस्था की बुरी कुप्रथाओं को, जिसके तहत हमने अपनी सहकारिता की भावना को मार दिया, उसको पुनः अपने में जीवित करें और अपने समाज का कहीं ना कहीं आकर के भला करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर पुनः अपना ये स्लोगन दोहराऊंगा कि सम्राट अशोक का शासन आएगा और हम सबको भयमुक्त बनाएगा, और सम्राट अशोक का शासन आने का मतलब है कि सहकारिता की भावना बलवती होगी और हमारा समाज दोबारा से सहकार को अपना करके उन्नति के शिखर पर पहुंच सकेगा। और अगर हम ऐसा कर पाए तो डेफिनेटली हम अम्बेडकरवाद को रेजुवनेट, रिवाइव, रिवाइटलाइज एंड रिनोवेट कर पाने में सक्षम होंगे। ऐसी उम्मीद के साथ मैं सभी लोगों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।